एवरीवन, तो आज हम आए हैं फिनिक्स सिटाडेल मॉल इंदौर में। दिसंबर 1 और ओपनिंग का डे है आज इसका। तो पहला लुक आपको दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार लुक आ रहा है। एंट्रेंस तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वाली है, देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा सुंदर सा। यहाँ से एंट्रेंस है मॉल की। हाँ तो ये है पहला लुक, और आते से ही स्केचर्स ब्रांड हमारे पास सबसे पहले सामने है। और बात अगर इंटीरियर की जाए तो शायद इंदौर में जितने मॉल्स हैं सबसे बेस्ट इंटीरियर इसका है। यहाँ पर पूरा मॉल का एक मैप दिया है, कहाँ से क्या है सारी चीज़ें। बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड एंट्रेंस थी, और इंदौर में जितने भी ज़्यादा मॉल हैं अभी सारे TI देख लो, TI नेक्स्ट मॉल देख लो, बट इसका इंटीरियर सबसे हटके है और काफ़ी यूनिक है। एंट्रेंस भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड थी। गैलरी का व्यू है और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। हमारे रतन टाटा जी और ये हमारा प्यारा स्टारबक्स, आमने सामने टाटा एंटरप्राइजेस। सामने से एस्केलेटर्स हैं। यहाँ से आ गए हम ऊपर, और इस फ्लोर पे क्या क्या देखने को मिलेगा हमको, यहाँ पे है आइनॉक्स, फन सिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड कोर्ट भी है और रेस्टोरेंट बार्स और बहुत सारी चीज़ें। कुछ भी कहो लेकिन डे वन का जो एक्सपीरियंस होता है हमारे पास कहीं पर भी जाने का, वो एक डिफरेंट ही लेवल का मज़ा होता है। तो ये पूरे हमारे भुक्कड़ लोगों की जगह यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर ही मिल गई है, फूड कोर्ट पूरा। अभी यहाँ से मैं आइनॉक्स की तरफ जा रहा हूँ, आइनॉक्स में जाकर देखते हैं यहाँ पर कौन सी मूवी पहले दिन पे हमको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मॉल में घूमते हुए। तो ये पीछे हमारा प्यारा सा मूवी थिएटर, यहाँ पे आके मूवी देख सकते हैं हम, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे आपको मॉल में दिखाएंगे। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है बट थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने के लिए। यहाँ तो पहले फ्लोर पर ही आकर ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पर घूम जाएंगे, कहाँ से आए थे कहाँ जा रहे हैं। तो ये था हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर। और कह सकते हैं बहुत सारी शॉप्स या ब्रांड्स अभी ओपन नहीं हो पाई हैं, जैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ओपनिंग सून लिखा है और काफ़ी सारी जगह पर ये लिखा हुआ है। ये हमारी छोटी सी मशीन जो मॉल में परफ्यूम स्प्रे कर रही है, और ये यहाँ का पूरा मैप। हाँ
हमारा पूरा लिफ्ट का एरिया और फायर एग्जिट। भाई ये पूरा हमारा वॉशरूम एरिया, मेरा सब कुछ सारे नल सेंसर बेस्ड है। और ये तो बाकी कुछ और ये हमारी हैंड ड्राई करने की मशीन, अच्छे से हाथों को सुखा लेंगे। तो अभी बाकी लोगों से पब्लिक रिव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन लोगों का मॉल में क्या एक्सपीरियंस रहा, तो बाकी सारी बातें उनसे करेंगे। तो ये हमारे पहले रिव्यूअर्स चैनल के, तो इनसे हम पूछेंगे इन लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस मॉल में कैसा रहा। तो सबसे पहले आपका नाम? मित्र। और आपका? सबका बारी बारी आदित्य। अच्छा, तो आप लोग पूरा मॉल घूम चुके हैं, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉल? मतलब बहुत बढ़िया है, सेंट्रल इंडिया में मतलब सबसे बेस्ट मॉल है अभी तक जो इंदौर में हमने जितना भी मतलब देखा है, रिव्यू किया है जितने भी, और TI और सब मतलब जितने भी अपने आगे सब विलेज के सामने। और बाकी तो फिर आप देख ही सकते हैं कि मतलब स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत प्यारा बना हुआ है, ठीक है। और पार्किंग तो मतलब लाजवाब, और स्टाफ भी जितना है वो भी बहुत प्यारा है, मतलब सब सब अच्छे हैं। अच्छा, तो सारे फ्लोर्स आपने एक्सप्लोर कर लिए, फूड कोर्ट वगैरह के बारे में? फूड कोर्ट भी मतलब बहुत प्यारा बना हुआ है, स्पेस भी अच्छी है सबको, मतलब ऐसा नहीं है कि रुकना पड़ रहा है, खड़ा रहना पड़ रहा है, सबके लिए मतलब है अच्छी जगह। सबसे अच्छी बात इस मॉल की यही है कि स्पेस बहुत है, दो लोगों से हम यहाँ पर आके मिले। अब इनसे हम यहाँ पर पूछेंगे कि इन लोगों का एक्सपीरियंस मॉल में कैसा रहा, और बाकी ज़्यादा मॉल्स के कंपेरिजन में ये मॉल कितना बेहतर है। तो पहले आपका नाम बता दीजिए। अच्छा, तो आपका इस मॉल में अभी तक का इतने देर में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्चुअली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि यहां पे सारी ब्रांड्स। अच्छा, और जैसे आपने देखा होगा कि इंदौर में और भी बहुत सारे मॉल्स हैं, जो TI मॉल है, सेंट्रल मॉल है, मल्हार मॉल है, तो इन सारे के कंपैरिजन में ये मॉल आपको कितना बेहतर लगा? बहुत बेहतर। फाइनली एंटर किया है हमने लाइफस्टाइल में, और एक बात तो क्लियर है कि बाकी ज़्यादा मॉल से बहुत ज़्यादा एक अच्छा फील आता है, और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो लाइफस्टाइल में ऊपर पूरा लेडीज सेक्शन था, ऑलमोस्ट जो ऊपर जाते से लेफ्ट साइड वाला था, और अभी तो ये एस्केलेटर्स बंद है, बाद में देखते हैं जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे चालू होंगी। अभी तो जस्ट फर्स्ट डे, ओपनिंग का डे है, और आगे और एक्सप्लोर करते हैं कितनी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चलो भी जा रहा है, लोग चट से स्पॉट करने के बाद बोलते हैं कि हाँ भाई ये हम लोगों को एक और लगा दे दिया। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल फीनिक्स सिटाडेल मॉल। इस मॉल की एक बात बहुत प्यारी लगी मुझे, जैसे आप इस मॉल को देखेंगे पीछे एंट्रेंस है, और ये बाकी जो मॉल्स होते हैं वो थोड़े फ्लोर बेस्ड मॉल होते हैं, मतलब ज़्यादा थोड़े खड़े टाइप के होते हैं, एक के ऊपर एक फ्लोर्स होते जाते हैं, और ये मॉल थोड़ा वाइड एरिया में बना हुआ है, और ये मॉल थोड़ा एक अलग कंसेप्ट पे बना है, मतलब इस मॉल की आप डिज़ाइन देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा महल वाले लुक में है। तो ओवरऑल ये मॉल था, और राइट साइड से इसमें पूरा पार्किंग वगैरह का आपको जगह मिल जाएगी। वो यहाँ पर हम दिया से मिले हैं, और मिस दिया से तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका एक्सपीरियंस मॉल में कैसा रहा। एक्चुअली मॉल इज अमेजिंग गाइस, इट्स अ मस्ट विजिट मॉल, फिनिक्स सिटाडेल इंदौर। लोकेलिटी का नाम क्या है? MR10 विजयनगर। तो MR10 विजयनगर में हम आए, तो सही में आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी विजिट करें, और यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आपको जो भी है सब स्टॉप फॉर प्लेस, यहाँ पे बस रुक जाओ, आगे पैर थम जाएंगे। और इतना भूल भुलैया है, मतलब अभी तक एक बार में हम लोग पूरा मॉल नहीं घूम पाए, हम लोग बस आए, और वी जस्ट
गिवर सर्कल चुए और बस हम लोग वापस बाहर आ गए फोटोज क्लिक करने के लिए. मॉल इज अमेजिंग, एम्बियंस इज अमेजिंग, फूड इज अमेजिंग. अभी बहुत सारे ब्रांड्स खुलने नहीं है, अभी खुले नहीं है. अभी जब खुल जाएंगे तो हम वापस आएंगे, हम वापस कल आएंगे. आप भी आए प्लीज अपने फ्रेंड्स को लेके. थैंक यू सो मच. अच्छा, और जैसे आपने देखे होंगे बाकी सारे जो मॉल्स हैं इंदौर के वो अंदर हैं थोड़ा, ये थोड़ा आउटसाइड है, बाईपास रोड पे. तो उसमें एक्चुअली आपको कितना वर्क लगा कि लोगों को यहाँ पर आना चाहिए? और मतलब सिटी एरियाज में तो हमारे TI, C21 और मल्हार मॉल है, ये थोड़ा बाईपास साइड है, तो यहाँ पे थोड़ा यू नो टूरिज्म बढ़ेगा इंदौर का. यहाँ पे थोड़े कम लोग आते थे, तब यहाँ पे भी बाईपास तरफ भी लोग आएंगे, लोग इसको जानेंगे एरिया को. ये जो बाईपास है बिचोली है, इस साइड इंदौर है, तो इट्स अ लवली प्लेस. और पूरा इटली लग रहा है अंदर, आ गया अंदर. बहुत सारे म्यूजिशियंस भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं, तो इट इज एन अमेजिंग प्लेस. ओके ओके, थैंक यू सो मच.